हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने भर भर के मुझे विशेष दी मेरे बर्थडे पर, तो आज मैं आप लोगों से अपना बर्थडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है और आज जैसा कि 4 फेब है तो मेरा बर्थडे है, और यहाँ पर हम थोड़ा बहुत घर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पेस्ट्री वगैरह मैं कट कर रही थी, क्योंकि केक लाने से मैंने इनको मना कर दिया था, क्योंकि वो वेस्ट चला जाता है, इतना हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं पेस्ट्री वगैरह कट कर रही थी, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह ये लेके आए थे, हैवी नाश्ता वगैरह, क्योंकि आज इन्होंने बोला था खाना वगैरह कुछ भी मत मंगाना, फुल डे किचन से छुट्टी है आज तुम्हारी। तो बस मैं इनको केक वगैरह खिला रही थी और नाश्ते में ये पेस्ट्री पेटीज़ और बहुत सी चीज़ें नमकीन की लेके आए थे, तो वही सब चीज़ें हमने नाश्ते में कर ली थी। और पापा जी को मैंने पहले ही नीचे दे दिया था, वो नीचे हैं तो उनको नीचे नाश्ता दे दिया था। तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही थी इनको और अथक को, और बस हम लोग सुबह से ही इन्जॉय कर रहे थे। वैसे अथक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा कुछ खास मन नहीं था कुछ भी करने का, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक वो फील कर रहा था, उसे फीवर नहीं था, रात को तो था बट मॉर्निंग में उसे फीवर नहीं था, तो थोड़ा मेरे मन को भी तसल्ली हुई कि चलो आज उसे फीवर नहीं है, नहीं तो मेरा मूड 2 दिन से ही ख़राब हो रहा था। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिप्रा'स वर्ल्ड। और जैसा कि आपको पता है आज मेरा बर्थडे है, 4 तारीख है, तो मैं रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ, सिंपल सी ही रेडी हुई हूँ। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और मैंने ये बस सिंपल सी साड़ी पहनी है, क्योंकि ये मैंने एक ही बार पहनी थी शायद, उसके बाद मैंने पहनी नहीं, तो आज मैंने ये निकाल ली है। और आज तक की तबीयत ख़राब है तो कुछ खास तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ी सी मैं रेडी हुई हूँ, मंदिर जाके आ जाएंगे, फिर देखते हैं आगे शाम का क्या प्लान है। तो चलिए एक बार मंदिर चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं और टाइम हो चुका था 12:30 बजे का, लेकिन हम लोग जा रहे हैं देशनौकरणी माता जी के मंदिर। तो वो मंदिर जो है 5:30 बजे तक खुला ही रहता है, दोपहर में भी बंद नहीं होता है। तो हम लोग 12:30 बजे के आसपास निकले थे, और हमारी सिटी से जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। और ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है। तो आज हस्बैंड ने बोला कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो चलो देशनौक चलते हैं, करणी माता के दर्शन के आते हैं। तो करणी माता जी हमारे बीकानेर की लोक देवी हैं, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और ये जो मंदिर है काफ़ी बड़ा है, मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, और देश विदेश से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और ये मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और हस्बैंड ले रहे हैं प्रसाद, माता के लिए प्रसाद ले रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं इस मंदिर में, और माना जाता है कि यदि अगर आपको सफ़ेद चूहा दिखाई दे जाए ना, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर बस हम लोग एंट्री के लिए निकल गए हैं, तो चेकिंग वगैरह भी होती है यहाँ पर, और वीडियो वगैरह का मना होता है वैसे, तो थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स ही मैंने ली थी, क्योंकि निषेध नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रोक टोक है वहाँ पर मंदिर में, तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं ली थी, बस माता के दर्शन किए और हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए थे, और हम लोग बस दर्शन करके बाहर की तरफ आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी आप लोगों से मिल लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको काफ़ी देर से दिखाई नहीं दे रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूहे, और चूहों को देने के लिए भी यहाँ पर जैसे आप चना दे सकते हैं, कुछ भी जो आप देना चाहें, तो हमने चने लिए थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चूहों को चने दे रहे थे, और यहाँ के चूहों का ना पेट इतना भर जाता है, क्योंकि सभी लोग चूहों के लिए कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लाते हैं, तो इतना ज़्यादा उन लोगों का पेट भर जाता है, तो चूहे सो जाते हैं खा खा कर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन लग रही है, हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए। और यहाँ पर ना मंदिर के बाहर बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो यहाँ पर हर चीज़ की मतलब हर चीज़ की सुविधा है, आप मेकअप का सामान ले सकते हैं, मिठाई वगैरह ले सकते हैं, चूड़ियों का भी काफ़ी अच्छा मार्केट है, तो आप देख सकते हैं। तो कभी आप बीकानेर आएँ तो ज़रूर ज़रूर माता के दर्शन करने के लिए देशनौक ज़रूर आएँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत शांत है, तो बहुत मन को तसल्ली मिलती है यहाँ आकर। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है, मतलब इतने लोग आते हैं फिर भी यहाँ पर गंदगी नहीं है, इतनी गंदगी नहीं है जितने कि लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। बस थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह देखने के बाद हम लोग बस, क्योंकि हम लोगों को लंच भी करना था, तो हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पर हम लोग किसी ढाबे में रुक गए थे, और वहाँ पर हमने लंच कर लिया था रुककर। और शाम का जो भी प्लानिंग होगा वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी अभी थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स इवनिंग में हम लोग आ गए थे, हमारे यहाँ पे हीरा लाल रेस्टोरेंट है वहाँ आ गए थे, और मैं मम्मी वगैरह का वेट कर रही थी। मम्मी भाभी ब्रदर औरों का और पापा नहीं आ पाए थे, तो मैं उन लोगों का वेट कर रही थी और हम लोग देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फास्ट फूड ही खाते, क्योंकि दोपहर में भी हैवी लंच हो गया था। तो हम लोगों ने प्लेटर, जो साउथ इंडियन प्लेटर है, वो ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी और आएंगे तब तक उन्होंने कहा मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो हस्बैंड मेरे ऑर्डर करने के लिए चले गए थे, तो ऑर्डर कर रहे हैं और मैं बस वेट ही कर रही थी मम्मी औरों का। इतने में मम्मी वगैरह भी आ गए थे, ब्रदर गाड़ी पार्क करके आ रहा था तब तक, तो मेरी मम्मी और भाभी भी आ गए थे। और यहाँ पर हमने गोलगप्पे भी स्टार्टर के तौर पर मंगवा लिए थे, तो बस वही इंजॉय कर रहे थे गोलगप्पे वगैरह। मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, आवाज़ से आप पहचान सकते होंगे। और मम्मी मेरी वीडियो ले रही थी बर्थडे गर्ल की, तो यहाँ पर ये जो क्लिप है मम्मी ले रही थी, फिर उन्होंने मुझे भेज दी थी। तो बस इस तरीके से इन्जॉय किया बर्थडे को, और फुल डे इन्जॉय किया सुबह से लेके रात तक, काफ़ी अच्छा लगा। और बर्थडे होता है तो स्पेशल वाली फीलिंग तो आती ही है। और बस उसके बाद हमारा जो प्लेटर है वो भी आ गया था, तो मम्मी बस क्लिप्स ले रही थी। और प्लेटर में हम लोगों ने जो साउथ इंडियन प्लेटर मंगाया था वो काफ़ी हैवी हो गया था, मतलब दो जनों पर एक प्लेटर मंगाया था, बट वो भी हम लोग नहीं खा पा रहे थे, इतना हैवी प्लेटर था। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ये देखिए काफ़ी हैवी प्लेटर था। इसमें इडली थी, सांभर था, वड़ा था, डोसा था, उत्पम था, तो ये हम लोग खा ही नहीं पा रहे थे सब लोग, तो काफ़ी हैवी हो गया था। बस इसी तरीके से बस बर्थडे को सेलिब्रेट किया, और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी ने मुझे अपनी विशेस दी और मेरे इस खास दिन को और ख़ास बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और इसी तरीके से आप लोग हमेशा अपना प्यार बना के रखिएगा। ये जो मेरा बर्थडे था ये काफ़ी खास रहा, क्योंकि आप लोगों की विशेष भी मुझे मिली, परिवार के साथ साथ आपकी विशेष भी मिली। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।